हम लोग हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, बंधे रहे, तो उन लोगों ने क्या किया? इंसानों को बांट रहे ये कैसी मन और मर्जी है, हम छोटे तुम बड़े हुए, ये बात तुम्हारी फर्जी है, ये बात तुम्हारी फर्जी है, ये बात तुम्हारी फर्जी है। छूत बढ़ाते हैं फिर, अगर ये सूत्र हुए तो फिर भूले जाते हैं, फिर भूले जाते हैं, ये फिर भूले जाते ठगते हैं, धंधा है ये उनका। देखो उस पर भी लिखा है कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना ये धर्म नहीं है बल्कि धंधा है उनका। हमें धर्म के नाम पर ठगते आ रहे हैं, लेकिन हम अब तक मूर्ख बनते आ रहे हैं, वो हमें ठगते जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी चाल को नहीं समझ पा रहे। पढ़े लिखे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, वो भी उनकी चाल में फंसते जा रहे हैं। धर्म के नाम पे हमको ठगते, धर्म नहीं ये धंधा है, पर अब सोच है मुझको इसका पढ़ा लिखा भी अंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। और ये लोग क्या करवाते हैं? घी जलवाते दूध बहाते, घी जलवाते दूध बहाते। धम बंधु, शनिवार के दिन इस भारत देश में इतना तेल बहाया जाता है, शनि पर इतना तेल चढ़ाया जाता है कि उस तेल से पूरा अमेरिका एक दिन का भोजन बना सकता है। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो जनरल नॉलेज को खोल करके पढ़ना, उसमें खुद लिखा है कि शनिवार के दिन भारत में इतना तेल बहाया जाता है, इतना तेल चढ़ाया जाता है कि पूरा अमेरिका एक दिन का भोजन बना सकता है उस तेल से। घी जलवाते दूध बहाते, घी जलवाते दूध बहाते, घी जलवाते दूध बहाते, घी और गोमूत्र पिलाते हैं, पर अगर ये सूत्र पाखंडी लोगों ना लोगों में फर्क करो।
छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है, सब मानव एक समान है।